कि मैंने आपको बता दिया था, बाद में ये मत कहिए कि मैंने बताया नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो बना था 75/78 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी चलान वलान काटने का अधिकार आपको तभी है जब वो सदन में और विधानसभा में बहस के बाद पारित हो गया हो, तो ही वो चलान काट के सकते हैं। ये लॉ ही नहीं है, आप तो एक पर्ची लेके घूम रहे हो सर, फिर जो सरकार ने इशू कर दिया आपको, बस दिस इज एक्सटॉर्शन। वो भी धारा 188 लिखी है, धारा 188 का जो आपको फायर होता है, धारा 188 का प्रोविजन जो है ना, वो तो इसीलिए कि मैं आपकी बात ना मानूं तो मैं तो चलान भी देने को तैयार हूं। सर क्या नहीं मान रहा हूं? नहीं मान रहा ना, आप कह रहे मास्क नहीं लगाया। नहीं सर वो बात है ही नहीं, उसका तो चलान काट रहे हो आप। सर उसका तो चलान काट रहे हो ना सर, उसका तो चलान काट रहे हो। सर उसका चलान काट नहीं रहे आप, ये बताओ, मैंने जो ऑफेंस किया आप नहीं लगा रहे और चलान आप पे नहीं कर रहे तो हम 188 में आपका FIR काटेंगे। सर हम सॉरी नहीं कर सकते, नहीं काटेंगे हम। सर आपको मेरे से बंदा मिला ही नहीं, आपको पता नहीं, आपको 2 साल से आप लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आपको लग रहा है सही कर रहे हैं आप। कोर्ट में कह रहा हूँ मैं तो, फिर चलान काटिए आप, काट क्यों नहीं रहे चलान मेरा, आईडी नहीं काट रहे आप। सर पैसे क्यों दूंगा सर, आप मान लीजिए नहीं मेरे पास पैसे, नहीं आप 188 का करेंगे हम, कैसे करेंगे आप? करेंगे, मैंने मना किया देने को, कमाल हो गया आप। सर आप लोग देखिए किस तरह से बंदा चलान देने का, चलान कटेगा 200 रुपए। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, हमारे पास नोटिफिकेशन है 2000 का काटिए सर आप, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं कोर्ट में पे करूंगा। ये आप लोग, आप लोग समझ जाइए कि ये 2 साल से आप जो कर रहे हैं सर, वो आपको लग रहा है सही कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझिए मेरी बात प्लीज, इसके ऊपर अध्ययन कर लीजिए। पब्लिक के लिए हैं आप, पब्लिक के दमन के लिए नहीं हो आप। सर देखिए मैडम, देखिए हम लोग पढ़ लीजिए, ये लॉ सर लॉ नहीं पढ़ है, पढ़ लीजिए कोई बात, मैं पढ़ चुका हूँ सब कुछ। इसी के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में आज 2 तारीख, कल 2 तारीख को केस भी है। नहीं वो तो है, हो रहा है सर, अभी हमारे एलजी का ऑर्डर है, हमारा तो नहीं है ना। सर आप पालन कर रहे हो ऑर्डर का, आप गलत नहीं कर रहे, लेकिन अनजाने में आप इलीगल कर रहे। चले जाओ, हम तो चाहेंगे बंद हो जाए। सर आप सरकारी नौकरी में है, मैं तो नहीं हूँ ना। अगर आपकी पावर है, आप बहुत वो है पावर, तो सर बंद करा दीजिए ना। सर मैं तो पावर है तभी मैं इतना बोल रहा हूँ सर आपको, पावर बंद करा दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आप चालान काटने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? आप मुझे थाने ले जाएंगे, 4 घंटे बिठा लेंगे, मुझे अरेस्ट कभी नहीं कर पाएंगे आप। देख मेरा समय खराब होगा, मैं उसका भी केस करूंगा, फिर क्या करेंगे सर आप? सर मैं भी कह रहा हूँ आप चलान काट के नक्की हो जाइए, मैं कोर्ट में 10 चक्कर लगाने को तैयार हूँ। आप तो चक्कर लगाए, मुकदमा होगा तो 188। सर आप चलान काट क्यों नहीं रहे मुझे सर ये बता दीजिए, प्लीज दीजिए। क्यों क्यों कोर्ट में चलान क्यों नहीं पे कर सकता सर मैं? कोर्ट का नहीं है ना, कोर्ट का होता तो 1 मिनट लगाते, खड़े भी नहीं होते। नहीं नहीं सर क्या बात कर, मैं खड़ा हूँ ना 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 ना। तो आप फिर एक्सटॉर्शन कर रहे हो, ये सर एक्सटॉर्शन कर रहे हो बिल्कुल। सर क्या आप मुझे, आप नेट पे है, आप नेट पर सर्च मारिए आपके मोबाइल में, आप मुझे छीन के आप दिखाइए, अभी तो मुझे दिखा रहे हैं। ये हमारे पास है, नेट खोलिए, नेट पे जा रही है ये नहीं, आपको आपका आप किसके तहत आप मुझे कर रहे हो, दिखाना होगा सर आपको, आपको दिखा रहे हैं, हाँ तो दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ना, देखिए ना फोटो खींच नहीं सकते सर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक मिनट पब्लिक है सर, ये देखिए मैम आपको पता ही नहीं आप किस चीज से लड़ रहे हो मुझसे, आपसे कोई व्यक्ति को तो है नहीं बहन जी, मेरा मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं इतने सही पॉइंट पर लड़ रहा हूँ जिसमें मैं आप चारों के चारों मुझे गलत, तो आप मुझे चालान दे क्यों नहीं रहे हो? आपके खिलाफ क्यों करूंगा सर, लेकिन मैं गलत के खिलाफ करूंगा, मैं गलत के खिलाफ, लेकिन सर मुझे बता दो आप, मुझे कोई भी दुनिया में ऐसा चालान है आज तक जिसका कोर्ट में नहीं भेज सकते आप, आज तक कोई चालान आप सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर, नहीं है ऐसा कोई आदेश कैश कलेक्ट सर नहीं है, तो ये इनके खिलाफ करो ना, मैं कर रहे हुए तो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सबके खिलाफ गया हुआ है, अनजाने में एक्सटॉर्शन हो रहा है ना, अगर आप कोर्ट में चलान नहीं भेज रहे 2 साल से क्या इतनी पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं पता था हमको, एक साल पढ़े लिखे आए थे आज, सर मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं आप ये एक ऐसे दुनिया में पढ़े लिखे आए थे सर, बिना आधार के दुनिया पढ़ी लिखी नहीं है, दुनिया बेवकूफ़ है, सरकार पढ़ी लिखी नहीं है, दुनिया को नहीं पता, ये IAS अफसर बैठे हैं, IAS अफसर को नहीं पता, DM को किसी को नहीं पता, आपको पता है, सर मैं बोल रहा हूँ सर, आप मैं कोई दिमाग से पागल तो नहीं लग रहा हूँ ना सर आपको, मैं कब कह रहा हूँ, तो फिर मैं वही कहता हूँ समझदार हूँ ना मैं, तभी बोल रहा हूँ इतना कुछ, मैं कब कह रहा हूँ, तो कोर्ट बैठी है, कोर्ट भी तो डिसाइड कर रही है ना।